प्यारे दिल्ली वासियों, आदर के सम्मान सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत शत नमन। नव भारत टाइम्स 26/10/2020 पेज नंबर 3 के ऊपर हिंदी दैनिक अखबार के अंदर एक घटना आज छपी है। पुलिस के अधिकारी के खिलाफ थाने में संदिग्ध मौत के मामले में एएसआई सस्पेंड। पूछताछ के लिए लोधी कॉलोनी थाने बुलाया गया था, दो पुलिस का वाले कर्मी भी किए गए लाइन हाजिर। ऐसी घटना पहले भी कई बार आ चुकी है कि जब कोई व्यक्ति को पुलिस थाने के अंदर बुलाया गया है, पुलिस के लॉकअप में होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पुलिस वाले अक्सर ये दिखा रहते हैं कि वो छत के ऊपर गया और कूद के उसने अपनी आत्महत्या कर ली, और एक मर्डर को आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है, वो भी इस तरीके से पुलिस कर्मी को बचाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मैं ये चाहूंगा कि हर थाने के अंदर 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसकी जांच जो है सीबीआई के द्वारा करी जाए और 91 सीआरपीसी में डीवीआर सेव करी जाए थाने की फुटेज की, और सर्टिफाइड कॉपी संबंधित डीसीपी के द्वारा न्यायालय में सेव होनी चाहिए ताकि इसके अंदर कोई टेम्परिंग ना हो सके। पूछताछ के लिए लोधी थाने कॉलोनी थाने बुलाया था, वो पुलिस कर्मी भी किए गए लाइन हाजिर, और इसके अंदर कोई टेम्परिंग ना हो सके इसके लिए सीबीआई के एसपी स्तर के अधिकारी की भी मैं चाहूंगा कि एक ऑथेंटिकेशन ले ली जाए इन फुटेज के अंदर, ताकि बाद में 5 साल 4 साल बाद जब ट्रायल आए तो उसमें कोई टेम्परिंग का गुंजाइश ना रह जाए। एविडेंस 65B का सर्टिफिकेट भी इसके अंदर मैं चाहूंगा डीसीपी स्तर के अधिकारी से लेकर कोर्ट में जमा कराया जाए। घटना क्या हुई है मैं आपको बता दूं, कार चोरी के मामले में पूछताछ के लिए लोधी कॉलोनी थाने लाए गए एक ऑटो मालिक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि ऑटो मालिक ने थाने से पहली मंजिल से कूदकर जान दे दी। परिवार ने पुलिस के इन दावों को झूठा बताया, क्योंकि ये बात संदेह के साथ ये लग रहा है कि झूठा होता है। परिजनों का आरोप है कि उन्हें थर्ड डिग्री देकर मारा गया। मामले में चीफ मेडिकल मजिस्ट्रेट के उचित कार्रवाई के लिए सूचना दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद सफाई सच्चाई का पता लग सकेगा। साउथ दिल्ली के डीसीपी कुमार ठाकुर का कहना है कि एएसआई विजय को तुरंत प्रभाव सस्पेंड कर दिया गया है। सिपाही राजेंद्र और संदीप को लाइन हाजिर कर दिया गया। तमाम पहलुओं के जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम धर्मवीर है, वे अपने परिवार के साथ नजफगढ़ गोला डेयरी में इलाके में रहते थे। डीसीपी ने बताया कि 22 अक्टूबर को लोधी कॉलोनी थाना नंबर 23 के एक कार चोरी हुई थी। इस मामले की जांच एएसआई विजय को सौंपी गई थी। जांच के दौरान इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज को खंगाला गया, जिसमें देखा गया कि आरोपी ऑटो में आए थे। ऑटो के रजिस्ट्रेशन नंबर से ऑटो मालिक के बारे में पता लगाया गया। ऑटो धर्मवीर के बेटे के नाम रजिस्टर्ड है। धर्मवीर के पास 2 ऑटो हैं, यह ऑटो वह किराए पर चलाने के लिए देते थे। धर्मवीर को जांच में शामिल में बुलाया गया। जांच में पता लगा कि ऑटो सतीश नाम का शख्स चला रहा था, वह 16 फतेहपुर का रहने वाला है, जिसके पास साथ फतेहपुर बैरी का रहने वाला घेवर राम चौधरी था। दोनों वारदात के वक्त ऑटो में थे। आरोप की दोनों ऑटो से आए और लोधी को नोट जारी करके ले गए। पुलिस ने घेवर राम के 32 मामलों में शामिल होने का दावा किया है। पुलिस ने कहा है कि मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में धर्मवीर का क्या रोल था, इसकी तहकीकत के लिए एएसआई विजय ने धर्मवीर को पूछताछ के लिए लोधी थाने बुलाया गया था। पहली मंजिल में पूछताछ की जा रही थी। डीसीपी का दावा कि शनि रात 3 बजे धर्मवीर को कमरे में अकेला छोड़कर एएसआई विजय बाथरूम में गया। लौटने पर धर्मवीर को कमरे में नहीं पाया। उसने इधर उधर देखने के बाद पाया कि धर्मवीर थाने की पहली मंजिल से नीचे गिरा हुआ था। इलाज के दौरान धर्मवीर की एम्स ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। ये बिल्कुल ही अपराध और ये जो बात है मेरे को विश्वसनीय नहीं लगती। जहां तक मेरा जानकारी है कि 2:45 पहली बात एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने में क्यों बुलाया गया, जिस आदमी ने 2 3-व्हीलर किराए पे दे रखे हैं, ये ऑलरेडी पुलिस कह रही है, जिस आदमी 3-व्हीलर चला रहे थे वो व्यक्ति अरेस्ट हो चुके थे और मालिक 3-व्हीलर किराए पे देता था, इससे इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इस अपराध की जानकारी हो। और ये बहुत सारे केसों में इन्वेस्टिगेशन में हो चुका है, लेकिन पुलिस ने रात को 2:45 इस आदमी को बुला के जांच करी जा रही है, तो इसका मतलब पुलिस का जांच करने का जो दायरा है वो ही संदिग्ध है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मर्डर पुलिस के द्वारा किया गया। बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद पुलिस ज्यादातर स्टंगन का यूज करती है थानों के अंदर, बहुत जगह देखा गया, जूते चप्पल से मारती है सर के ऊपर, पीठ के ऊपर। और पुलिस अभी अखबार में घटना आई थी, पेशाब पिला दिया गया। कई तरीके से पुलिस जो है कपड़े उतार के वीडियो बना लेती है, कई तरह के मोबाइल सिम सकती है, और थाना रानीबाग में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं और कोर्ट में लंबित है। ऐसे में पुलिस का आचरण पूरी तरीके से गलत है, और ये बात मैं बार बार ऑब्जेक्ट करूंगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी क्या इन्वेस्टिगेशन थी
जो रात को 2:45 बजे उस आदमी से करी जा रही थी, और ये बहुत गंभीर हो सकता है कि उसको चोटों के निशान हो, पुलिस ने उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करी हो, और अपने सबूतों को मिटाने के लिए जब वो टॉर्चर में मर गया तो उसको उठा के ऊपर नीचे फेंक दिया गया हो। इस एंगल से भी मैं चाहूंगा FSL रिपोर्ट हो, मेडिकल साइंस से रिपोर्ट हो और इसकी जांच हो। सीनियर अधिकारी को इस एंगल से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं पर लगान तभी लग सकती है जब पुलिस जो है पूरी तरीके से सीरियस है, और तभी सभी 10 फुटेज की जांच करी है और उस थाने के अंदर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों के बयान लिए जाए, और जिस कमरे की घटना बताई गई है वहां से आसपास की भी फुटेज देखी जाए, और कितनी मिनट के लिए पेशाब गया बाथरूम में और कितनी देर में आया और अकेला क्यों छोड़ के गया। अकेला क्यों छोड़ के गया, क्योंकि ये छोटी मोटी लापरवाही दिखा के इसको बचाने का प्रयास हो सकता है, ये मैं साथियों बताना चाहूंगा। इसी के बाद परिजनों के बारे में बताऊंगा। धर्मवीर की बेटी की दिसंबर में होनी शादी, दो बेटे बीवी पढ़ रहे हैं। धर्मवीर के परिजनों पर ने पुलिस पर उन्हें छोड़ने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। रिश्वत ना देने पर उन्हें 3rd degree देकर मार दिया गया। लोधी पुलिस थाना में गंभीर आरोप लगते हुए धर्मवीर 45 वर्ष के बेटे सौरभ 23 साल ने बताया कि उनके परिवार के में पापा के बाद माँ एक, उसे बड़ी बहन और छोटा भाई है, वह दोनों भाई पढ़ रहे थे। उसकी बहन की दिसंबर की शादी हो रही थी। सौरभ ने बताया कि लोधी कॉलोनी में कोई 4 चोरी के मामले में पुलिस इन दोनों तक पहुंची थी। आरोप है कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे उनके नजफगढ़ कोलर डेरी को से दो सिपाही आए थे, उन्हें पूछताछ के लिए निशानदेही पकड़े और उनके बावजूद पुलिस ने उनके पिता को नहीं छोड़ा। आरोप है कि शनिवार देर रात करीब 1 बजे उनके पास फोन आया, पापा ने कहा कि पुलिस वाले छोड़ने के बदले 50,000 रुपये मांग रहे हैं। ये बात बहुत गंभीर है कि शनिवार देर रात करीब 1 बजे उनके पास फोन आया, पापा ने कहा कि पुलिस वाले छोड़ने के बदले 50। ये नंबर की जांच होनी चाहिए कि रात को पुलिस वालों ने अगर पूछताछ के लिए पहले तो बुलाया क्यों, और उसने रात को 1 बजे अपने परिवार वालों को पुलिस वालों ने किस लिए बुलाया, फोन करवाया उससे, और 1 बजे क्या पुलिस को जरूरत थी फोन करवाने की, और 2:45 बजे तक वो 1 बजे से लेकर 2:45 तक क्या हो रहा था उस आदमी के साथ। ये साफ साफ लग रहा कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। इसके बाद दिन होने का इंतजार कर रहे थे कि तड़के करीब 3 बजे एक पुलिस वाले ने फोन आया कि बताया कि उसके पिता को एम्स भर्ती कराया गया। एम्स मुझे तो बताया कि धर्मवीर ऊपर से कूद गए थे। बिल्कुल गलत बात है, कोई आदमी अगर 1 बजे अपने परिवार को फोन कर रहा है और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं लग रही कि वो व्यक्ति अपने सुसाइड करेगा, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं था इस क्राइम के अंदर। जो इस सारी थ्योरी बता रही है, इसका मतलब साफ साफ लग रहा है कि पुलिस ने ज्यादा 3rd degree टॉर्चर किया। अगर 1 बजे फोन किया तो 2:45 तक किसने रखा हुआ था, रिश्वत मांगने और 3rd degree देकर मारने जैसे आरोपों को साउथ दिल्ली ने खंडन किया कि DCP ने कहा कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट नहीं की। परिवार वाले उनसे मिलने के लिए शनिवार रात करीब 9 बजे आए थे। DCP ने कहा कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट नहीं की। परिवार वाले उनसे मिलने के लिए शनिवार रात करीब 9 बजे आए थे, यानी कि 9 बजे से पहले वो व्यक्ति थाने के अंदर था। तो क्या पूछताछ चल रही थी इतने घंटों में, मतलब 6 घंटे तक क्या पूछताछ चल रही थी जबकि आरोपी पकड़े गए थे। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी, कोई PCR कॉल भी नहीं की थी। फिलहाल मामले में मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। अब देखते हैं कि न्यायालय के अंदर जो गुहार लगाई गई है, अब न्यायालय से क्या फैसला आता है। मुझे लगता है कि आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जब करेंसी छपती है और सब गली में जाती है, उससे लोग ड्रग्स खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं, शराब खरीदते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वर्क होता है, इतने तरीके के क्राइम होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, तो कभी कोई सरकार को तो कटघरे में नहीं खड़ा करता, क्योंकि ये देखना पड़ता है कि जो बंदे की इन्वॉल्वमेंट के लिए पुलिस बुलाती है उसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या थी, क्या उसको अपराध के बारे में जानकारी थी या नहीं थी। यहां धर्मवीर को ये पुलिस को देखना था कि जब वो आदमी किराए पे दे रहा था उसे क्या पता कि पूरी रात वो तो 3-wheeler वाले के साथ जाता नहीं था, कि किराए के अंदर क्या होता है और कुछ 3-wheeler रात भर वो लोग क्या करते हैं। तो ऐसे में साफ साफ ये लगता है कि उसको अपराध की जानकारी नहीं थी, और अपराध के समय पुलिस खुद कह रही है कि 2 लोग थे और दोनों को पकड़ लिया, तो इसका मतलब घटना के समय वो व्यक्ति अपराध की जगह पे था ही नहीं। धर्मवीर जब वो अपराध की जगह पे था नहीं और उसको अपराध की जानकारी नहीं थी, उससे 3-wheeler किराए पे दिया, तो उसका कोई रोल ही नहीं बनता था। तो ऐसे व्यक्ति को रात को 2:45 तक पूछताछ करना संदेह के दायरे में है। मैं ये चाहूंगा कि जांच अधिकारी इस बात को जरूर गंभीरता से लें और जो ये देखे कि इस तरह के अपराध देश में होते हैं। आज आप ये देखो कि क्या कहते हैं कि होटल्स रेस्टोरेंट चल रहे हैं, वहां से आप ये देखो कि कितनी चीजें खाने पीने की शराब है हमारे देश में बिक रही है। आए दिन लोग मरते हैं तंबाकू गुटखा से, तब तो कोई ये नहीं पूछता कि किसी ने शराब पी के बलात्कार कर दिया, पॉक्सो केस दर्ज हो गया उस पर,
तो किसी शराब कंपनी वाले को तो नहीं बुलाया था कि भाई तुम पैसा लेके शराब बेच रहे हो, सरकार टैक्स दे रही है, तो क्यों नहीं जांच अधिकारी शराब कंपनी के मालिक को बुलाता कि तुम्हारी शराब की भी जानकारी है कि नहीं, तुमने जानबूझ के शराब बेची इस आदमी को और शराब पीके इसने बलात्कार कर दिया, शराब पीके इसने डकैती डाल दी, ड्रग्स खरीद के इसने डकैती डाल दी, तब पुलिस कहां जाती है, तब इन्वेस्टिगेशन जांच बड़े आदमी को कॉलर तक क्यों नहीं पहुंचती। यहां एक गरीब थ्री व्हीलर वाला खड़ा हुआ है, मैं चाहूंगा कि पूरे भारत के अंदर जितनी थ्री व्हीलर की एसोसिएशन है वो सारे आदमी मिलकर इस थ्री व्हीलर की व्यक्ति की मदद करें, और रोहनी कोर्ट बार एसोसिएशन के मैं उन सभी उच्च कानूनी अधिकारियों को ये प्रार्थना करूंगा कि सभी जो खासतौर से 62 कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं कि वो इस व्यक्ति को कानूनी मदद दें और इसका अधिकार दें, और माननीय देश की महामहिम जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से मेरी प्रार्थना है कि वो इसके और इसके परिवार को उसका कानूनी हक दिलाने में मदद करे। और इसी के साथ जस्टिस जिंदाबाद।